किया है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। जो लोग न्यूली मैरिड है और जिनका फर्स्ट करवा चौथ है, अगर वो इस तरीके से तैयार होंगे एचडी मेकअप करेंगे तो गाइज सभी उनको देखेंगे। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेकअप आज मैंने किया है और मैंने लहंगे के साथ आज ये वियरअप किया है और ये मैंने नेकलेस किया है वियरअप जो ब्राइडल है, लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो गाइज मुझे आपको कमेंट करके बताना मेरा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा और मेरा आउटफिट और मेरी ज्वेलरी आप लोगों को कैसी लगी। और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो खरीदना चाहते हो तो आप वहाँ पर क्लिक करके उनको बाय कर सकते हो। तो गाइज लुक क्रिएट करने में लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत और आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत लगी है, बिकॉज आप लोग भी ऐसा लुक ज़रूर क्रिएट करना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स की कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम ली है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, मैंने पूरे फेस के ऊपर लगा लिया, इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और यहाँ पर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। गाइज यहाँ पर मैं ये बेला वूस्ट का प्राइमर ले रही हूँ और अच्छे से मैं इसको अपने फेस के ऊपर लगा के थोड़ा सा मसाज कर लूँगी और प्राइमर आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। गाइज यहाँ पर मैंने लिया है फाउंडेशन मेबलिन फिट मी का, बहुत अच्छा मैट फाउंडेशन है ये और आज हमारा एचडी मेकअप है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और पूरे फेस पर मैंने इसको डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको अपनी नेक पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो इस ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने और इसको अपनी आइज़ के ऊपर और आइज़ के नीचे और अपने लिप्स के कॉर्नर पर और नोज़ पर और थोड़ा सा फोरहेड पर इसको मैं लगा लूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पर मैं मेबलिन फिट मी का लूज़ पाउडर ले रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लगाया है क्योंकि जो मेरा कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा कट क्रीज बनाने के लिए। और पूरे फेस के ऊपर मैं इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, नेक पर भी इसको मैं लगा लूँगी। यहाँ पर गाइज मैंने वाइल की मैंने आईब्रो किट ली है, बहुत अच्छी आईब्रो किट है ये और दो शेड हैं इसके अंदर, दोनों शेड में लाइट डार्क मिक्स करके अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। गाइज मैंने दोनों आईब्रोज़ फिल कर ली है और यहाँ पर मैंने रोज़ गोल्ड पैलेट लिया है और इसमें से मैं पिंक कलर लेकर अपनी कट क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ। मैंने कट क्रीज बनानी है तो इसलिए मैं कट क्रीज बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने लिक्विड कंसीलर लिया है ये और यहाँ पर मैं अच्छे से कट क्रीज बना रही हूँ। फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम कट क्रीज बना लेंगे और इसको मैं पूरी आईलिड के ऊपर फिल कर लूँगी। स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पर ग्लिटर आई शेडो पैलेट लिया है, बहुत अच्छा पैलेट है ये, इसमें से मैं गोल्डन शेड लेकर लगा लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने मिस रोज़ का ग्लिटर लिया है और ये बहुत ज़्यादा शिमरी ग्लिटर है, इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी कट क्रीज के ऊपर लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है और अपनी दोनों आईज़ के ऊपर इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। वाटर लाइन पर मैं पिंक शेड लगा रही हूँ जो मैंने पहले लगाया था अपनी कट क्रीज के ऊपर। स्विस ब्यूटी का ये मैंने ब्लैक काजल लिया है, बहुत अच्छा काजल है ये, इसको मैं अपनी आईज़ के नीचे लगा लूँगी अच्छे से, दोनों आईज़ के नीचे मैंने इसको लगा लिया है और बस इसके बाद मैं मस्कारा लगा लूँगी और अपनी मैंने फेक लैशेज अप्लाई कर ली है। और ब्लशर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का और पिंक कलर का ब्लशर लगाया है। अपनी आईब्रोज़ के नीचे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है और बस यहाँ पर मैं मेबलिन फिट मी का हाइलाइटर लगा रही हूँ। चीक्स बोन को अच्छे से मैं हाइलाइट कर लूँगी, अपनी नोज़ पर भी इसको लगा लूँगी और थोड़ा सा अपने लिप्स के ऊपर और थोड़ा सा मैंने अपनी चिन के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैं एले गर्ल की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है और मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पूरे लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और ये मैलियो का मैंने फिक्सर लिया है,
बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है ये, इसके साथ मैंने अप्लाई करी। यहाँ पर मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने बिंदी लगाई है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और बस यहाँ पर मेरा मेकअप कट क्रीज वाला रेडी है। तो आप देख ही सकते हो मेरा मेकअप कितना अच्छा हुआ है। अगर आप न्यूली मैरिड हो या आपका कोई भी करवा चौथ हो या कोई भी फंक्शन हो तो आप ऐसे तैयार हो सकते हैं, सब आपको देखेंगे। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप हुआ है आज का मेरा। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताना मेरा मेकअप आपको कैसा लगा, और आप ऐसा मेकअप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगा तो आप भी इस मेकअप लुक को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत इजीली मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है, और कट क्रीज के साथ आज मैंने अपना आईज मेकअप किया है। आई होप सबको पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।